दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजदेव। आप देख रहे हैं हमारे चैनल राज आयावर। आज मैं जिस पेड़ के नीचे खड़ा हूं वो एक पलाश का पेड़ है, और आप जिसे जानते हैं, देखिए इसकी पत्तियों को पहचानते हैं। लेकिन ये जो मेरे सामने में ये खड़ा है, इसे ये पलाश का एक बांदा है। पलाश का बांदा बहुत ही दुर्लभ है, और इसको पाने के लिए, इसको खोजने के लिए, तो इसके लिए लगातार एक महीने से हम परेशान हैं, खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां हम खड़े हैं, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये एक जंगल का एरिया है। आप देख लीजिए, जंगल का एरिया है, और इस जंगल में हम भटके हैं कई दिनों तक। पहले अपने गांव के आसपास खोजे, और अब हमारे पास में, अब हमारे साथ में एक पलाश का बांदा है। देखिए पलाश का बांदा, ये फिर से आपको हम दिखला रहे हैं। देखिए पत्तियाँ इसकी हैं, और ये अब पूरी तरह से इसका हम इससे हम आपको परिचित कराते हैं। ये देखिए, ये है पलाश का बांदा। ये पलाश की पत्तियों को आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये पलाश के पेड़ में लगा हुआ बांदा है। और कहा जाता है सब बांदे मिल जाए, लेकिन पलाश का बांदा नहीं मिलता। पलाश की तीन पत्तियाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रतीक होती हैं, और इसीलिए इसको बड़ा ही पवित्र पौधा माना जाता है, बड़ा ही पवित्र पेड़ माना जाता है। इसे काटने पर लोग अपने आप को पाप का भाग भी मानते हैं। जो भी हो, ये जो है, ये देखिए, ये है बांदा। मैं से इसकी पत्तियाँ छू सकता हूँ, देखिए ये पत्ती है। और बांदा एक परजीवी पौधा होता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है। ये देखिए, यहाँ से ये जो जगह है, यहाँ ये जो जगह देख रहे हैं आप, जहाँ मेरी उंगली है, ये देखिए, ये है, यहीं से इसकी जड़ें निकली हुई हैं। और बड़ा एक तांत्रिक प्रयोग है इसका। ये देखिए, इस भी ये सौभाग्य मेरा ये है कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जिस पेड़ में, छोटा सा पेड़ है, लेकिन इसमें तीन तीन बांदे लगे हैं। बांदे के कई प्रकार होते हैं, इसमें से एक प्रकार तो ये है, देखिए ये दूसरा प्रकार ये है, इसमें फूल लगने शुरू हो गए। इसके फूल, ये गौर करेंगे यहाँ पर तो हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से, ये देखिए इसमें फूल लगने शुरू हो गए हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। गौर करेंगे आप तो नज़र आएगा आपको, बहुत छोटे छोटे इसके हैं। अभी कलियाँ निकलनी शुरू हुई हैं, और कुछ दिनों के बाद में ही फूल इसमें आ पाएगा। इसके फूल लाल रंग के होते हैं, मुझे तो लाल लगता है, पता नहीं आपको क्या लगता है, मैं कलर का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। ये देखिए छोटा सा बांदा कि यहाँ से भी निकला हुआ है, यहाँ देख रहे हैं आप, ये देखिए यहाँ भी निकला हुआ है। साथ में अगर थोड़ा सा इधर हम जाएँ तो इसको मैं जूम आउट करता हूँ, ये देखिए ये जो है यहाँ भी एक लगा हुआ है। तो मतलब एक पेड़ में हमें सौभाग्य से बहुत सारे बांदे मिल गए हैं। और ये कहा जाता है कि इस बांदे को साथ में रखने पर, घर में रखने पर, इसको अभिमंत्रित करके, एक सिद्ध करने के बाद, ये बड़ा ही सौभाग्यशाली होता है, घर में धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, ये माना जाता है। पता नहीं इसकी सत्यता कहाँ तक है, मैं नहीं मालूम। अगर आप इसको तोड़ें तो आपसे आग्रह यही है कि पूरा वृक्ष कभी मत तोड़ें। आप छोटी सी टहनी इसका तोड़ सकते हैं, आपको अगर काम ही है तो बहुत थोड़ा सा, अगर यहाँ पर ये जड़ जो है, इस जड़ को अगर थोड़ा सा आप ले लें तो हो सकता है काम हो जाए आपका, इसे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। इधर देखिए यहाँ पे भी बांदा है, ये देखिए बांदा की पत्तियाँ यहाँ पे हैं, हमने बांदा, ये देखिए ये पत्तियाँ हैं इसकी, ये देखिए कलियाँ, मैं आपको बता रहा था, ये देखिए कलियाँ यहाँ पे, कलियों को मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए कलियाँ हैं इसकी, ये कलियाँ इसकी हैं, ये कलियाँ हैं। इधर भी गौर करेंगे तो यहाँ भी आपको बहुत बांदे का एक इनिंग मिल जाएगा। तो बार बार यही आग्रह है कि आप इस्तेमाल करें, लेकिन एक सच्चे गुरु, अच्छे गुरु की के साथ करें, अन्यथा बेकार में इस पौधे को बर्बाद नहीं करें। वनस्पति शास्त्र में इस पौधे का महत्व, अपना कुछ न कुछ इसकी पर्यावरण में इसका कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होगा, हमें नहीं मालूम इस बारे में, हो सकता है आपको ही पता हो। तो इससे बर्बाद नहीं करना, थोड़ा बहुत अगर इस्तेमाल करना है तो ज़रूर करें, लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ करें जिसको पूरी तरह से ज्ञान हो इसका। ऐसा नहीं हो कि आप इसको तोड़ भी दें, वनस्पति बर्बाद भी हो जाए और कोई आपको प्रतिफल भी प्राप्त नहीं हो। ये देखिए, ये हम फिर से आपको जूम आउट कर रहे हैं, ये देख रहे हैं यहाँ पे। अब ये जगह कौन सी है हमको बताना उचित नहीं लगता, क्योंकि जैसे हम बताएंगे बहुत सारे लोग इसको आएंगे तोड़ लेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल से हमें मिला है ये।
बहुत मुश्किल से मिला है हमें। अब यकीन नहीं करेंगे, लगातार मैं इसके चक्कर में 5 दिन तक भटका हूँ पर जंगल में, तब जाके मिल पाया। हो सकता है मैं जंगल का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं हूँ, लेकिन तब भी इसे पा लिया है और आप सबों के दर्शन के लिए, जानकारी के लिए इसको रख दे रहा हूँ। पूरी मेहनत करेंगे तभी हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे, ऐसी चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। फिर भी अगर आपको बहुत बढ़िया गुरु मिलता है तभी इसका इस्तेमाल करें। तो आपने देखा, पलास का बांदा हमें मिल गया। सौभाग्य से एक ही पेड़ में बहुत सारे बांदे हैं। इस बांदे की अपनी एक विशेषता है, आपसे जैसा कि बार बार हम आग्रह कर रहे हैं कि कृपया इसे तोड़े मत। अगर आपको कोई कहता भी हो तो हमें लगता है वो गलत बोलता है, झूठ बोलता है, या अगर सच बोलता हो तो बहुत थोड़ा सा इसका एक भाग लें और अपना काम चलाएं, अनावश्यक इसे बर्बाद नहीं करें। एक वनस्पति है, वनस्पतियाँ फिर बार बार ही पैदा नहीं होती। हम समझते हैं, हमें आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगा होगा, हमारी बात अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो ज़रूर से शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।